स्वागत हो रहा है, कौन कौन से मंदिर में मत्था टेकी है? जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी एवं निषाद पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी गठबंधन का प्रत्याशी घोषित किया गया है। मेरा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है जो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है, और आज जब इतना बड़ा अवसर मेरे लिए है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जो मैं देना चाहती हूँ अपने ईश्वर को देना चाहती हूँ। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हम ईश्वर को बहुत, धर्म को बहुत मानते हैं, इसलिए सबसे पहला मेरा काम था कि जितने भी मंदिर मैं जा सकूँ पूरे क्षेत्र में अपने वहाँ जाऊँ, मत्था टेकूँ, भीख मांगूँ। मेरे लिए तो एक ईश्वर ये मंदिरों में बैठा है और दूसरा ईश्वर मेरे सामने जनता के रूप में है। झोली फैला के मांगने आई हूँ ईश्वर से भी और अपने भगवान के रूप में जनता से। कितनी आपके लिए चैलेंजिंग होगा इस विधानसभा से चुनाव लड़ना, और आपके सामने नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या कहेंगी आप? देखिए, पिछली बार ही जब हम निर्दल लड़े थे चुनाव, जब भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा गठबंधन में चली गई थी और मैं निर्दल लड़ी थी, तभी हम लोग ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, बहुत मुश्किल से जो नेता प्रतिपक्ष थे वह जीत पाए। और इस बार मैं विश्वास दिलाती हूँ, चूँकि कमल के फूल पर आस्था समस्त जनता की है इस समय उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में, तो इस बार तो मुझे लगता है कि उनकी जमानत जब्त करा के ही हम उनको यहाँ से विदा करेंगे। कि नेता प्रतिपक्ष एक सीनियर नेता है और आप अभी राजनीति में लगभग 10-20 साल हो गया होगा, दो बार आपकी करारी हार मिली है और कम वोटों से हार मिली है, तो ऐसा मानते हैं कि कैसे सीनियर नेता के सामने फेस करेंगे? बिल्कुल सीनियर नेता है, क्या रहेगा मुद्दा? पिछली बार हमारे सीनियर नेता जी समाजवादी पार्टी का समर्थन था, कांग्रेस पार्टी का समर्थन था, कई मौन समर्थन थे, और मेरे साथ जिनको आप करारी हार कह रही हैं, मैं अकेले निर्दल चुनाव लड़ रही थी, मेरी पार्टी भी अलग लड़ रही थी, उसके साथ गठबंधन भी अलग लड़ रहा था, और मैं अकेले लड़ रही थी सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और मुझे तो लगता है कि जो अजीत जो चखे होंगे वो ईश्वर जानता होगा कि कितना मजा उनको जीतने में आया। जी, आपके विधानसभा के जो पूर्व हमारे मंत्री जी रहे हैं, 10 साल से उनका कार्यभार रहा आपकी विधानसभा में, जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया था उसमें जो कार्य पूर्ण हुआ है, कौन कौन सा अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है? इन 5 वर्षों में, जबकि कोरोना जैसी महामारी जो पूरे विश्व को जिसने झकझोर के रख दिया, हमारे यहाँ के विधायक 4.5 साल कुंभकर्ण की नींद में सोए रहे, अब जाग कर आए हैं, तो जनता भी जगी हुई है, बड़े अच्छे से इंतजार कर रही है। जाऊंगी अपने पार्टी का, मैं बताऊंगी अपने पार्टी की।